महात्माओं ने सबका भेद जाना और सबका बताया। संत सबका भेद जानते हैं ऊपर से और नीचे तक, लेकिन संतों का भेद कोई नहीं जानता, उनको कोई पहचान नहीं सकता। वो बुद्धि से परे, आत्मा के ज्ञान से परे, वो लिंग ज्ञान से परे, वो सूक्ष्म ज्ञान से ब्रह्मांड से परे, वो कारण ज्ञान से परे और उसके परे उससे भी परे। तो संतों को ऐसे नहीं कोई पहचान सकता, वो सीधे रहते हैं, सादे रहते हैं, कोई बनावट नहीं रहती, कोई आकर्षण नहीं रहता, कोई खिंचाव नहीं रहता, कोई श्राप नहीं देते हैं किसी तरह का, कोई जादू चमत्कार नहीं दिखाते हैं, ये उनके यहाँ नहीं है। बस उनका काम यह है कि अंदर में जीवात्मा को जगाना और जीवात्मा को उसमें लाकर उस प्रकाश में खड़ा करना और जीवात्माओं को चमत्कार, बाहर से कोई चमत्कार न कानों से न आंख से, आपको बाहर से कहीं कुछ नहीं, लेकिन जब जीवात्मा जाग जाएगी तो दिव्य नेत्र से दिव्य कानों से फिर महापुरुषों के चमत्कार देखने को उस चेतन सृष्टि में मिलते हैं। इसलिए संतों को लोग नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि संतों ने चमत्कार का काम नहीं किया। संतों ने भवसागर नदी से जीवात्माओं को पार उतारने का काम किया है और उस घर में पहुंचा देते हैं जो अजर है, जो अमर है, जो चलायमान नहीं होता, जहां पहुंच करके कभी आओगे नहीं, कभी जन्मोगे नहीं, कभी मरोगे नहीं, न पाप में आओगे न पुण्य में आओगे, किसी तरह से भी कोई बंधन पहुंचने के बाद इन जीवात्माओं को नहीं, वहां जीवात्माओं को ले जाकर अजर अमर कर देते हैं, निर्बंधन सदैव के लिए यहां से कर देते हैं अपने देश में, जहां से जीवात्माएं आई वहीं पहुंच जाती। ऐसी महान विभूतियों को, महान आत्माओं को, परम संतों को कोई नहीं जान सकता, ना योगी जान सकता है, ना ऋषि मुनि जान सकते हैं, ना विद्वान जान सकते हैं, ना तपस्वी जान सकते हैं, ना ज्ञानी जान सकते हैं, ना बुद्धि विवेकशील जान सकते हैं। ये उनकी उस पहुंच को कोई नहीं, उस स्वयं ही कुछ बोध करा दें, कुछ परिचय दे दें तो हो सकता है, वैसे कभी नहीं होगा। ये सबका भेद जानते हैं, संतों का भेद नहीं जानते, संतों का भेद संत ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। इसलिए संतों की महिमा ऊट कूट कर 700 वर्षों के अंदर अच्छी तरह से लोगों ने कलम तोड़ करके लिख दिया और आपको बता दिया, पर आप इस कलयुग में, अल्प युग में, कमजोर युग में, अज्ञानी युग में, बुद्धिहीन युग में, मन विकल्प युग में और चित्त जो चिंतन करता है इस भोगी युग में आप सबजु की त्रेता की द्वापर की साधना नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण का जन्म दिवस पहचान नहीं सकते, राम का जन्म दिवस पहचान नहीं सकते, क्योंकि राम त्रेता में आए, कृष्ण भगवान द्वापर में आए, कोई सतयुग में आया, कैसे आप पहचान लोगे, कैसे आप सतयुग का त्रेता द्वापर का कैसे आप कर्म करोगे, कैसे साधना करोगे, कैसे उसका योग करोगे, अब तो शरीर में वो ताकत नहीं है। तो त्योहार जन्म दिवस ये हम भूल गए, जब हम भूल गए तो बाहर इंद्रियों का हमने एक मनोरंजन बना लिया, मनोरंजन बस इंद्रियों का लेकर चढ़े और घर में आ जाते हैं, बस इतना ही काम रह गया, बाकी आत्म कल्याण का नहीं, उनसे मिलने का नहीं, उनकी शक्ति का परिचय नहीं, शक्ति लेने का नहीं, उस ज्ञान को लेने का नहीं, उस आनंद को लेने का नहीं, वो मुक्ति के लिए नहीं, वो मतलब स्वर्ण वैकुंठ के लिए नहीं, वो मोक्ष के लिए नहीं, मनोरंजन शारीरिक क्षण इसी में फंस गए। इसकी वजह से हम उन अच्छे कर्मों को भी नहीं पहचान पाते हैं कि जिससे बुद्धि विवेक में आकर बुरे काम को छोड़ देती, अच्छे काम में आरु लग जाती और बराबर बुद्धि से अच्छे बुरे तो वो काम सब छूट गए। और यही वजह है कि तीर्थों में उल्टा रूप, उल्टा प्रभाव ये तीर्थों का पड़ गया। तीर्थों के उद्देश्य अपनी जगह पर है, लेकिन प्रभाव मनुष्य के लिए उल्टा होता, भोगी हो गया, रोगी हो गया,
बीमार हो गया, मन का रोगी हो गया, इंद्रियों का रोगी, शरीर का रोगी हो गया, बुद्धि का रोगी हो गया, अज्ञान में आ गया, ये उल्टा प्रभाव पड़ा। जिन तीर्थों में जाकर, जिन धर्म स्थानों पर जाकर, जिन देवताओं के व्रतों को मानकर या जिन जल उत्सवों को मानकर हम लोगों को वास्तव में वो जागरण करना चाहिए था, जिसे हम परम तत्व पा जाते, हमको अपना घर मिल जाता और हम शांति उस ज्ञान को प्राप्त करते और जन्म मरण के दुख पीड़ा से छूट जाते, 84 नरकों की यातनाओं से छुटकारा हो जाता, तो हमने कोई काम किया नहीं। अब तो आपको ये सोचना होगा कि मैं आश्रम पर नवंबर के महीने से हूं, ऐसे ही 2-4 दिन के लिए कभी निकल के चला गया और किसी को कुछ थोड़ा बहुत आध्यात्मिक धर्म उपदेश सुना दिया, लेकिन हम अपनी बात विशेषकर आश्रम पर ही है। इतना मैं पहले कभी नहीं रहा जितना आपकी मुझे रहने का अवसर मिला, और जब आदेश मिला कि इस समय आश्रम पर रहो तो मैं आश्रम पर रह गया। कोई बात है, कोई रहस्य है, कोई वेद जरूर है जो चुप होकर के आश्रम कर रहा हूं। मैं कुछ ना कुछ आपको आगाह करता था, सचेत करता था, कुछ सुनाता था, कुछ कानों में डालता था, कहता था इधर गड्ढा है, इधर मत जाओ, ये बताता था आपको, जगह जगह बताया। मैंने पहले इतनी बातें हिंदुस्तान में कह डाली कि वो कोई भूलने वाला नहीं है, और वो चीजें जो सुनाई गई हैं, जो संदेश दिया गया, जो सुनाया गया, उसमें कोई हेर फेर भी होने वाला नहीं। वो तो आज से भी सुनाई जाएगी, आज भी लागू होगी और कल भी लागू होगी, 2 महीने में, 10 बरस में भी और 20 बरस में भी और 50 बरस में भी लागू होगी, और कलयुग में भी और द्वापर में भी और त्रेता में और सतयुग में भी लागू होगी। ऐसी चीजें सुनाई जाती है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में जब विवेक हो तब तो तुम समझोगे क्या महीने की है, क्या बरस की है, क्या युग की है, किस युग